मुंबई सहित महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मुंबई पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले ने पुलिस कर्मियों के लिए डबल मास्क और फेस शील्ड लगाना अनिवार्य कर दिया है। उसके बावजूद मुंबई पुलिस लगातार संक्रमित हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए कैदी सुधार वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में सभी 250 पुलिस कर्मियों के लिए मेडिकल किट और एनर्जी बूस्टर किट का वितरण किया गया। इस मौके पर इस संस्था के संस्थापक और आयोजक अशोक राव मुख्य रूप से उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि मुंबई पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को संक्रमण से बचाने के लिए सभी 93 पुलिस स्टेशनों में मेडिकल किट और एनर्जी बूस्टर किट का वितरण कर उनको संक्रमण से बचाने का संकल्प लिया गया है और आगे भी इसी तरह से सेवा जारी रहेगी। 30 साल से रोटरी में जुड़ा हुआ हूँ। आज हम लोग जू पुलिस स्टेशन माने साहब जो कि हमारे अच्छे मित्र भी हैं और काफ़ी सोशल वर्क करते हैं, आज हम एक कोविड के जो पैंडेमिक मेडिकल जो अपने किट्स हैं वो हम पूरे स्टेशन के लिए 250 किट्स दिए हैं और अपने राव साहब अशोक जी और मैडम जो कि कैबी सुधार वेलफेयर फाउंडेशन के साथ में मिलके रोटरी के साथ में जो कि आज रोटरी के पार्टनर भी हैं और सारे किट्स जो हैं राव साहब ने पूरी स्पॉन्सर किए हैं और इसके अलावा जितने बॉम्बे के पुलिस स्टेशन हैं और मेडिकल अपने सुविधा दिया जाएगा और जितने मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे बैनर लगा हुआ है, जो बाहर से आए हुए जितने भी फैमिलीज हैं कोविड की फैमिलीज हैं रिलेटिव्स हैं उनको फ्री राशन भी अपना खाना दे रहे हैं, फ़ोन करते हैं तो खाना आ जाता है उनके पास। और इसके अलावा अभी इनकी मेडिकल एम्बुलेंस है जो रोटरी से जुड़ी है और जो जब बुलाएगा फ्री में जो भी कुछ चीज़ें हैं सब फ्री में हैं, कोई एक रुपया नहीं ले रहे हम लोग। तो हम माने साहब का थैंक्स करते हैं, आभारी हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया, इतना अच्छा लगा टाइम दिया हमें और मैं इनको मिल के ऐसा लगता ही नहीं कि हम एक पुलिस वाले से मिल रहे हैं, हमारे भाई हैं। और सबको जितने बार मैं इधर आया हूँ पानी चाय जैसे कि एक पंजाबी फैमिली जैसे आओ भगत इंडियन जो अतिथि देव भव पुलिस स्टेशन में मिले तो मेरे ख्याल से हर कोई इधर इनको मिलने आएगा। ये तो एक वेगळा काळ आहे माझ्या पूर्ण सर्व्हिसमध्ये बघतो की पहिल्यांदाच असा एक साथीचा रोग आलेला आहे। आणखीन खरोखर समाजातून प्रत्येक स्तरामधून मोठ्या प्रमाणावर मदत सगळ्यांना होतेच आहे, गरिबांपर्यंत ती पोचली पाहिजे हा महत्त्वाचा हे आहे। आम्ही पण आमची काळजी घेत आहोत, रोटरी क्लबने आम्हाला आज मास्क आणि सॅनिटायझरचं वाटप केलेलं आहे, ते नक्कीच आम्हाला उपयोगाचं राहणार आहे आणि आम्ही आमची काळजी घेणार आहोत। माझी सगळ्यांनाच विनंती आहे की गव्हर्नमेंटने जे नॉर्म्स दिलेले आहेत तसे नॉर्म्स सगळ्यांनी पाळायला पाहिजेत, सगळ्यांनी सोशल डिस्टन्सिंग पाळलं पाहिजे, उगीच बाहेर फिरलं नाही पाहिजे, कुठला पण साथीचा रोग पसरेला असतो कुठला पण ॲक्ट नाही केला पाहिजे कोणीच, अशी माझी सगळ्यांना विनंती आहे। रोटीला पण माझी विनंती आहे की त्यांनी पण ह्याचं पब्लिसिटी करावी आणि सगळ्यांना नियम पाळायला हवेत ज्याच्याकडून आपण ह्या कोरोनावरती विजय मिळवू शकू। आणि किट देना चाहता हूँ और दे रही है सब पुलिस स्टेशन में और बस कैदी सुधार वेलफेयर फाउंडेशन जो काम कर रहा है हम अपने लेवल पे कर ही रहे हैं, सेटिस्फेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं सब लोगों का। एम्बुलेंस हमारे पास ऑलरेडी 2 एम्बुलेंस चल रही है, एक थाना में चल रही है, एक नागपुर में चल रही है, अभी और भी देने और हम लोग 10 एम्बुलेंस प्रोवाइड कर रहे हैं अभी फिलहाल। ये कैदी सुधार सिर्फ कैदियों के लिए है, किसके नहीं नहीं सभी के लिए। कैदी सुधार वेलफेयर हमारा नारा है अपराध छोड़ो जीवन जोड़ो, बस यही है। तो क्या करते क्या होता सर, क्या करते कैदी सुधार में? हम लोग जो अपराधी निकलते हैं कोई बैग गलत रास्ते में नहीं जाना चाहिए, हम उनको एक जॉब या कुछ ऐसे सुधारने की कोशिश करते हैं कि भाई अपराध छोड़ो और जीवन जोड़ो। कितने लोग जुड़े हुए आपके साथ में? अभी तकरीबन 20,000 लोग मेरे साथ है, बहुत सारे लेडीज जेंट्स पूरे लोग जुड़े हैं, काम कर रहे हैं मिलकर सब। आज भी कई लोग साथ में आए? जी जी बिल्कुल, मेरे हमें पूरे मुंबई के वाइस प्रेसिडेंट है अरुणा जी है, दूसरे बॉम्बे की है मिस्टर पूनम जी जो काम कर रहे हैं जोड़ों के उसमें से आए हुए हैं और हम यहाँ पे किट बांट रहे हैं सब पुलिस वालों के लिए उनके प्रिकॉशन के लिए, क्योंकि यही लोग हैं जो सबके सामने जाते हैं और इनको बहुत ज़रूरत होती है ये किट की। तो आज हम अपराध छोड़ो जीवन जोड़ों के उनसे आए हैं और इन सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।